जिले में SBI क्रेडिट कार्ड धारकों से लगभग 10 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया है। ठगी का शिकार हो चुके हितग्राही SBI बैंक सेक्टर 1 का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी अधिकारी इस बात से पल्ला झाड़ते नजर आए कि SBI बैंक और SBI कार्ड दोनों ही अलग संस्थान हैं। अगर आप भी SBI क्रेडिट कार्ड के ग्राहक हैं, तो सावधान हो जाइए। दरअसल आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके खाते से कब पैसा गुल हो गया। कई ऐसे फेक कॉल ग्राहकों को आ रहे हैं, जिससे OTP शेयर करने के माध्यम से उनके खाते से पैसे निकाल लिए जा रहे हैं। कई मामले में तो खाता धारकों को ये भी नहीं पता होता कि उनके नाम पर क्रेडिट कार्ड बैंक द्वारा जारी कर दिया गया है। जब एकाएक बैंक द्वारा खाते से क्रेडिट कार्ड की वसूली की गई, तब जाकर लोगों को पता चलता है कि उनके साथ धोखाधड़ी हो गई है। इसे लेकर स्वदेश मानव अधिकार संगठन के बैनर तले सोमवार को पीड़ित पक्षों का हस्ताक्षर लिया गया। वहीं सेक्टर 1 SBI बैंक के मुख्य प्रबंधक से बात भी की गई। बैंक प्रबंधक ने साफ कहा कि SBI बैंक और SBI कार्ड का कोई संबंध हमसे नहीं है। इस धोखाधड़ी को लेकर SBI बैंक किसी भी प्रकार की जवाबदारी नहीं रखती है। वहीं ग्रैंड एशिया न्यूज की टीम जैसे ही बैंक पहुंची, SBI क्रेडिट कार्ड की टीम मौके से फरार भी हो गई। इस मामले में पीड़ित पक्ष और स्वदेश मानव अधिकार संगठन के पदाधिकारियों ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि SBI जैसे प्रतिष्ठित संस्थान को इतनी बड़ी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। लोगों का विश्वास अब SBI से टूटने लगा है। जैसा कि हमने 2 दिन पहले यहाँ पे हमारे बीच में गोस्वामी जी हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ पे इस प्रकार का मामला चल रहा है, तो आप जल्दी आओ। तो मैंने तुरंत आके यहाँ पे 70-80 लोगों का दस्तखत करवाया। सब ने बताया कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है। हमारा कार्ड जो है उससे पैसे निकल रहे हैं। 7 लाख रुपये का सबसे बड़ा आदमी जो है डोंगरगढ़ का रिटायर्ड आदमी है, उसकी यहाँ शादी होने वाली है, पैसा पूरा निकल गया। तो मुझे बड़ा ये लगा कि हम लोग का जो स्वदेश जागरण स्वदेश मानवाधिकार संगठन है, इसके माध्यम से हम इनकी हेल्प कर सकते हैं। तो मैंने क्राइम ब्रांच को बुलाया, तो उन लोग भी कुछ नहीं कर पाए। बोले हमारे बस की बात नहीं है ये, आप ऊपर बात कीजिए। इनका ऑफिस रायपुर में है। और फिर मैंने पेपर के माध्यम से सबको एकत्रित किया, आज शिविर लगाया, यहाँ बहुत लोग आए थे, सबकी सुनवाई हुई है। उन्होंने ये कहा, बैंक प्रबंधक ने, हम एक नोटिस जारी कर रहे हैं कि सभी कार्ड को बंद करने के लिए हम एक बैनर लगाएंगे, उसके माध्यम से सब लोग का समाधान हो पाएगा। और जो पैसे निकल गए हैं उसकी लड़ाई हम लोग रायपुर जाके लड़ेंगे, कलेक्टर से मिलेंगे, माननीय मुख्यमंत्री को बताएंगे, सीतारमन जी वित्त मंत्री को बोलेंगे, इस टाइप के जो प्राइवेट फ्रॉड कर रहे हैं इस पे रोक लगे। जी मैडम, बताएंगे कि क्या हुआ था, कैसे आप तक कार्ड पहुंचा? मुझे दिया गया था कार्ड, कहा गया था कि मैंने मना किया लेने के लिए, जब मुझे बुलाया गया फोन करके, तो उन्होंने कहा कि कंपलसरी है इसको लेना। फिर मैंने जब मुझे मिला 15 सितंबर 2020 को ये कार्ड मुझे मिला था घर में, तो मुझे पता चला कि क्रेडिट कार्ड है। तो मैंने जाके बैंक में सिर्फ बोला कि मुझे ये कार्ड नहीं चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ये तत्काल बंद कर देंगे। उसमें मैंने इनको आवेदन दिया कि आप बंद कर दें, तो उन्होंने बंद नहीं किया। उसके बाद फिर मैंने कस्टमर केयर में कॉल किया था, वही मोबाइल मतलब बैंक में ही कॉल कर्मचारी ने लगाया था कॉल, और जो कॉल लगाया था वो फ्रॉड को लगाया था, जो नंबर बाद में जुलाई में मुझे मैसेज करके बताया गया कि वो फ्रॉड है करके। अच्छा। और उसके बाद फिर तो क्या नाम है, अक्टूबर में मुझे एक फोन आया कि मतलब मैसेज आया। हाँ। कि क्या बोलते हैं, आपको इतना पेमेंट करना है, 354 रुपीज़। अच्छा। 354 पेमेंट करने के बाद फिर क्या बोलते हैं, 354 रुपीज़ मुझे बोला कि आप पेमेंट करो करके। हाँ। फिर मैंने पेमेंट किया बोला, नहीं मैंने बोला कि पेमेंट आप मेरे खाते से ले लेना। हाँ। तो उन्होंने पेमेंट नहीं ली। हाँ। मैंने बोला मुझे बंद कर चाहिए, अगर 300 रुपये भी आप लेके बंद करते तो आप बंद कर दीजिए। हाँ। लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है मैडम, हम आपका ऑटो डेबिट कर देंगे। हाँ। तो लेकिन उन्होंने ऑटो डेबिट नहीं किया। 4 तारीख को 1 को उन्होंने मेरे अकाउंट से 254 रुपये लिया, उसी पर बोला कि मिनिमम बैलेंस हम आपके से लेंगे। हुँ. और क्या नाम है, अमाउंट बढ़ाते जाएंगे। हुँ. अमाउंट मतलब लिमिट बढ़ाते जाएंगे। हुँ. और ऑटो डेबिट आपका खत्म हो चुका है। हाँ. तो मैंने जाके बैंक को बोला कि आप करो, तो उन्होंने, मेरी मिसेस के नाम से क्रेडिट कार्ड है, 2 वर्ष पूर्व ये क्रेडिट कार्ड लिया गया था। इसमें राशि आहरण करने की जो सीमा निर्धारित थी वो 60,000 रुपये की थी, और 8 दिसंबर को 2021 को एक साथ 4 ट्रांजेक्शन इसमें किए गए हैं, लगभग 1,02,000 रुपये की राशि इसमें आहरित की गई थी, जबकि सीमा इसमें निर्धारित 60,000 रुपये की है। तो मेरा ये कहना है कि जब 60,000 रुपये की निर्धारित सीमा है अधिकतम, तो इसमें से एक साथ एक ही दिन में 1,02,000 की राशि कैसे आहरित हुई?
और ये धोखाधड़ी से जो कॉल किया गया था, मेरी मिसेज के द्वारा कार्ड को बंद करने के लिए 8 दिसंबर को ही कॉल किया गया था, मगर कॉल जो है वापस जो किया गया वो किसी अवैध नंबर से किया गया था और धोखाधड़ी से उनसे ओटीपी मांगा गया। और मेरी मिसेज के द्वारा यह जानते हुए कि कार्ड में ओटीपी कार्ड को बंद करने के लिए मांगा जा रहा है, लगातार 4 ओटीपी उनसे मांगे गए और उन्होंने अनजाने में ओटीपी उन्हें दे दिया और लगातार 4 राशि उनके खाते से आहरित की गई। फिर भी वो रकम ज्यादा थी, रकम जो मेरी निर्धारित सीमा है कार्ड की, उससे भी ज्यादा कैसे आहरित होगी, मेरा क्वेश्चन यही है। अगर गलती से मैंने ओटीपी दिया भी मेरी मिसेज ने, तो इस राशि का आहरण 60,000 से ज्यादा कैसे? दो जनक अभी तक जवाब नहीं मिला है बैंकों के अधिकारियों द्वारा। उनका यही कहना है कि मेरा जो खाता है किसी और ब्रांच में है, आप जो संबंधित शाखा में आए हैं वो शाखा उस ब्रांच से संबंधित नहीं है जहां मेरा खाता है। तो मगर मैं अपना हाँ, और ये भी जानकारी दी गई है कि ये जो कार्ड जो इशू किया गया स्टेट बैंक के द्वारा वो प्राइवेट एजेंसी के द्वारा किया जाता है। ऐसे हालात में, ऐसे स्कैम होने के बाद, तो इतने बड़े संस्थान में जहाँ पर हर व्यक्ति का खाता स्टेट बैंक जैसी एक विशाल संस्था में होता है, जहाँ पर हर खातेधारक का एक विश्वास होता है कि मेरा पैसा घर से ज्यादा इस संस्था में सुरक्षित है, अब ऐसे हालात में तो सभी का जो विश्वास डोलना जो है स्वाभाविक है। और आगे जो हो सकता है कि इस तरीके के स्कैम के बाद हर खाताधारक जो यहाँ से राशि निकालने पे मजबूर हो जाएगा और स्वाभाविक है कि वो अपने निजी साधनों में जहाँ पर वो सुरक्षित महसूस करता है वहीं पर राशि को रखना हम सोचेगा कि मेरे लिए हिफाजत से। हम लोग 7 तारीख को ये घटना उजागर हुई थी, उसके बाद आज हम लोग ने ब्रांच मैनेजर से संपर्क किया, चीफ मैनेजर से, तो वहाँ पर उनके उच्च अधिकारी भी उपस्थित थे, जिनके द्वारा बड़ा हास्यप्रद चीज़ आज हमको जानने को मिली कि उनका ये कहना है कि SBI क्रेडिट कार्ड हमारा नहीं है, ये SBI क्रेडिट कार्ड प्राइवेट एजेंसी का है जिसके लिए हम कोई जवाबदार नहीं है। तो मैंने उनसे ये निवेदन किया कि अगर SBI क्रेडिट कार्ड अगर आपका नहीं है और अगर उसका म्यूचुअल फंड आपकी एजेंसी का नहीं है, तो उसके व्यक्ति अधिकृत व्यक्ति आपके ब्रांच के अंदर क्यों बैठते हैं? और मैंने उनसे डिमांड किया कि अगर क्रेडिट कार्ड में आज ऐसे ऐसे लोग पीड़ित लोग आए हैं जिनको कार्ड तो मिला है लेकिन उनका पिन कोड भी चालू नहीं हुआ और उनके खाते से राशि कट रही है, कईयों के साथ ऐसी धोखाधड़ी कईयों के साथ, कितने लोग हैं लगभग और कितने के स्कैम? अभी कम से कम 50 लोग 100 लोग हैं, अभी उपस्थित ही 40-50 लोग हुए जिसपे इन्होंने कहा कि आप एक आवेदन दें हम क्रेडिट कार्ड बंद कर देंगे। लेकिन बड़ा हास्यास्पद लगता है कि कई ऐसे हितग्राही थे जिन्होंने ये कहा कि हमने बंद करने के लिए 100 चक्कर काट दिए। मोटा मोटी स्कैम कितने का है ये? मुझे तो ये लगता है करोड़ों का स्कैम है और आगे भी ऐसी धोखाधड़ी पुनः होगी, पूर्ववर्ती होती जाएगी। इसलिए हमारे स्वदेश मानवाधिकार संगठन की पूरी टीम ये चाहती है कि अगर वो SBI कार्ड क्रेडिट कार्ड अगर वो SBI बैंक का नहीं है तो आज के डेट में उपस्थित सारे SBI क्रेडिट कार्ड को बंद कर देना चाहिए और लोगों को ये जागरूक करना चाहिए कि अपना अगर आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो उसकी जवाबदारी आपकी होगी, इसमें SBI की बैंक की कोई जवाबदारी नहीं होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कार्यक्रम हर बैंकों में हो रहे होंगे। तो माननीय कलेक्टर महोदय जी से मेरा निवेदन है कि दुर्ग जिले के गरीब जनताओं का भला करते हुए सारी बैंकों को ये आदेशित करें कि अगर वो कार्ड के आप जवाबदार नहीं है तो सारे क्रेडिट कार्ड बंद कर दिए जाए। बहरहाल आप भी क्रेडिट कार्ड का संचालन करते हैं या नहीं भी करते हैं तो भी एक बार अपने बैंक जाकर अपने नाम पर जारी सुविधाओं की जानकारियां जरूर लें, अन्यथा बाद में आपको पता चलेगा कि आपके खाते से धड़ल्ले से पैसे बैंक वसूल कर रही है लेकिन जवाबदेही सिर्फ आपकी होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए रॉबिन मल ठाकुर की रिपोर्ट।